गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मैथ सब्जेक्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज आवर कंटेंट ऑफ मैथ्स. ओके, सो लुक एट हियर, दिस इज आवर कंटेंट्स. जो हम लोग चैप्टर्स रीड करेंगे वो है हमारे, ठीक है. लास्ट ईयर भी हम लोगों ने जो क्लासेस अटेंड किए थे वो ऑनलाइन ही क्लासेस थे, एंड आई होप आप लोगों ने अच्छे से स्टडी किया होगा. और आगे भी जब तक आपके स्कूल ओपन नहीं होते हैं तब तक आप लोग प्लीज अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए रहिए. हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे. आपको जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है. तो बट एक वर्क ये करिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर देखा था कि आप लोगों ने कॉपीज नहीं बनाए थे, ठीक. तो जो होमवर्क्स दिए जाएंगे आपको उनको करना है. मैं डेली टू डेली, जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया तो फिर आपको उस होमवर्क, आपको उसको कंप्लीट करके मुझे सेंड करना होगा, ठीक. जिनका होमवर्क नहीं आएगा फिर मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत लापरवाही कर रहे हो, ठीक है. जो भी स्टडी है आप उसको कंटिन्यू किए रहिए. जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप पढ़िए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए लॉस होगा, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा कंटेंट क्या है इस बार? फर्स्ट चैप्टर क्या है? मोर अबाउट नंबर्स, हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. सेकेंड चैप्टर है होल नंबर्स. थर्ड है आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फोर्थ है आपका इंटीजर्स. फिफ्थ है फ्रैक्शन. सिक्स है डेसिमल. सेवन है एलजेब्रा. एट सिंपल इक्वेशंस. नाइन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन. टेन है पैरामीटर एंड एरियाज. इलेवेंथ है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. ट्वेल्थ है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स है. एंड थर्टीन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. फोर्टीन सिमेट्री. एंड फिफ्टीन आपका क्या है? डेटा हैंडलिंग है, ठीक है. तो ये सारे चैप्टर्स को हमें इस बार कवर करना है, एंड इसके लिए हमें बहुत बहुत ही हार्डवर्क की जरूरत है. क्योंकि बेटा आप लोग जब क्लास में होते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तब आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हम इजिली आपको समझा सकते हैं, इजिली आपको हम बता सकते हैं, और तब तक बता सकते हैं जब तक आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है. तो वो हम लोग एक दूसरे के सामने जब होते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आती होती, बट अभी हमें वीडियोज के थ्रू पढ़ने हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है. तो देखो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, मोर अबाउट नंबर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि समझना ही है नंबर्स के बारे में, और हम जानते हैं, ठीक. अब देखो नंबर्स क्या होता है. आपके क्लास में पूछा जाएगा कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप काउंट करके नंबर्स ही तो बताओगे, ठीक. और कोई वस्तु है कितनी है, वन है टू है थ्री है, तो आप क्या बोलोगे, आप किसी नंबर के थ्रू उसको बताओगे, है ना, उस चीज को. तो ये जो सारे जो नंबर्स हैं इनको भी हम किसी ना किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक. तो जिस सिंबल से रिप्रेजेंट काउंटिंग तो हम करते हैं, वन टू थ्री वट एवर जितने भी हैं हम आगे करते हैं, ठीक है. लेकिन क्या होता है कि इन नंबर्स को हमें कॉपी पे भी तो शो करना होता है ना. तो इनको कॉपी पे शो करने के लिए हम न्यूमरल्स की हेल्प लेते हैं. मतलब कि न्यूमरल्स क्या होते हैं? न्यूमरल्स वो सिंबल्स होते हैं जिनके यूज से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. सपोज न्यूमरल जो सेवन है वो सिंबल सेवन है, ठीक. वो सेवन का सिंबल है, ठीक है. एंड क्या बोलते हैं इसको, जो ये आपके सिंबल्स होते हैं वो आपके किसी भी थिंग की, किसी भी वस्तु की क्वांटिटी को इंडिकेट करता है ना. तो ये हमारा क्या हो जाता है, न्यूमरल्स होते हैं. जिस सिंबल के थ्रू हम नंबर्स को इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूमरल्स बोलते हैं. डिजिट्स क्या होते हैं? तो बिल्कुल सेम जैसे हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं, वैसे ही हमारे अर्थमेटिक में क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं. इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना. तो वैसे ही अर्थमेटिक में डिजिट्स क्या होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है. तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे डिजिट्स होते हैं. तो डिजिट्स कितने होते हैं, तो डिजिट्स जो हमारे होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, टेन होते हैं. कौन कौन से होते हैं,
जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ठीक है। तो ये सब मिलके हमारे क्या बनाते हैं, न्यूमरल्स। अब इन्हीं के इन्हीं डिजिट्स की मदद से हम क्या बनाते हैं, न्यूमरल्स को बनाते हैं, ठीक है। तो 45 देखो एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि ये 45 है, तो ये न्यूमरल फॉर्म हुआ है, ठीक। और किससे फॉर्म हुआ है, दो डिजिट्स को कंबाइन करके, है ना। तो वो दो डिजिट कौन कौन से हैं, फोर एंड फाइव। फोर एंड फाइव जो है वो डिजिट्स हैं, और इनको कंबाइन जब कर दिया गया है तो ये क्या हो गया, हमारे न्यूमरल्स हो गए। मतलब 45 अगर हम रीड करेंगे तो वो क्या होगा, न्यूमरल्स होगा, ठीक। 10 है, तो 10 तो न्यूमरल के फॉर्म में है, बट इसमें डिजिट्स कितने लगे हैं, टू, वन एंड जीरो, टू डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे न्यूमरल्स हो गए, ये हमारे डिजिट्स हो गए, ठीक। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो देखो मैं यहीं पे बुक में टिक कर देती हूँ, आप क्या करोगे, देखो इसकी डिफिनेशन जरूर राइट करिएगा। आप न्यूमरल्स हेडिंग दीजिएगा एंड फिर यहां से और यहां तक, ठीक है, आप इसको राइट करोगे। और ये फॉर एग्जांपल नहीं, यहां तक कर लीजिए, ठीक, यहां तक नहीं, यहां तक कर लीजिएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर्स डिजिट्स में भी आप क्या करोगे, नहीं डिजिट की डिफिनेशन तो नहीं है, बट हाँ डिजिट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने डिजिट्स होते हैं, तो उसको आप दिखा बताओगे, ठीक। या फिर आप यहां से यहां तक लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो जब हम काउंटिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मतलब स्टार्ट कहां से करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं और वो इनफाइनाइट तक जाती है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाके स्टॉप हो जाती है। जब हम काउंटिंग वन से स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। मतलब क्या होता है काउंटिंग इन सेंस कि आप किसी भी चीज को जीरो तो काउंट करते नहीं हो, क्या करते हो, कोई भी वस्तु अगर रखी हो, मान लीजिए पेन है तो आप वन पेन, है ना, वन से तो स्टार्ट करते हैं। टू बुक, तो जब हम काउंटिंग वन से स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक। और वही अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर दूं तो वो मेरे क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट है वो कह रहा है कि नंबर्स लाइक 10, 100, 1000, 10,000 ये क्या है। तो जब हम ग्रेटेस्ट नंबर में वन को एड करते हैं तो ऑलवेज क्या मिलता है हमें, नेक्स्ट का, नेक्स्ट जो नंबर्स होते हैं उनका स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलता है। सपोज नाइन जो है वो वन डिजिट की ग्रेटेस्ट वैल्यू है, है ना, नाइन जो है वो वन डिजिट की ग्रेटेस्ट वैल्यू है। विच देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इनकी डेफिनेशंस को आपको राइट करना है, क्या करना है, इनकी जो डेफिनेशंस हैं इनको आपको राइट करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट डेफिनेशंस, ठीक है, इनके डेफिनेशंस को आपको राइट करना है, मैंने बता भी दिया कहाँ से कहाँ तक करना है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं क्या कि नंबर्स जैसे 10, 100, 1000, 10,000 है, ये आते कैसे हैं। तो आपको पता है कि वन डिजिट का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है वो क्या होता है, नाइन होता है। तो नाइन में अगर हम प्लस वन कर दें तो टेन मिलेगा, तो टेन क्या हो जाएगा, टेन स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगा, किसका, टू डिजिट के लिए, टू डिजिट्स के लिए क्या हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर हम 99 में हम प्लस वन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 100 होगा, तो ये थ्री डिजिट का क्या हो जाएगा, 100 याद किया था ना, नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, थ्री डिजिट के लिए क्या हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें इसने कंटिन्यू किया है, मतलब कि आप अगर वन डिजिट की वैल्यू है उसमें अगर प्लस वन ग्रेटेस्ट वैल्यू उसमें प्लस वन कर देंगे तो टू डिजिट की स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये इसको इसने क्या किया, कंटिन्यू ऐसे ही किया हुआ है। अब यहां पे देखो ट्राई दिस फर्स्ट वन का फर्स्ट क्या कह रहा है, लिस्ट फाइव सिचुएशंस वेयर यू नीड टू यूज नंबर्स, आपको फाइव सिचुएशंस बताने जहां पे आपको नंबर्स को का यूज करना पड़ता है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो क्लासरूम में स्टूडेंट को काउंट करते टाइम, आपको मनी काउंट करते टाइम, और टाइम देखते हुए भी तो नंबर का यूज करते हो, ठीक है।
जैसे फाइव सिचुएशन आप बताइएगा. सेकंड क्या कह रहा है कि गिव फाइव एग्जांपल्स वेयर द नंबर्स ऑफ थिंग्स काउंटेड वुड बी मोर देन फाइव डिजिट नंबर्स. आपको फाइव एग्जांपल्स देने हैं जहां पे तो फाइव डिजिट नंबर्स के से ज्यादा नंबर्स का काउंट करना, एग्जांपल्स देने हैं नंबर्स का कि जो मतलब कहाँ पे यूज किए जाते हैं, फाइव डिजिट से ज्यादा नंबर्स कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो बताने हैं. तो जैसे पॉपुलेशन आप किसी स्टेट का काउंट करते हो तो वो जो वैल्यू होती है वो फाइव डिजिट से ज्यादा ही होती है, ठीक है. तो ऐसे फाइव एग्जांपल्स आपको देने हैं. थर्ड क्या कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर्स. तो आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर्स बताने, तो स्मॉलेस्ट वन हो जाएगा, ग्रेटेस्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, इनफाइनाइट. आप लिख दोगे क्या, इनफाइनाइट. फोर क्या कह रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 30 एंड 50. 30 एंड 15 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स पाए जाते हैं के बीच में पूछा है, ठीक है. तो 31 to 49 इतना काउंट कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक. तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं एंड इस क्वेश्चन को करिएगा. ये क्वेश्चन नॉर्मल ही है, ठीक. तो इसको करिएगा, डेफिनेशन राइट करिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. ओके, थैंक यू.